सब्सक्राइब करें बेसिक एजुकेशन को और बेल आइकॉन दबाएं मजीद अच्छी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेशन ऑन सेट्स का मतलब क्या है। ऑपरेशन का मतलब होता है किसी चीज पर काम करना। ऑन का मतलब होता है पर। सेट्स की एक डेफिनेशन है जिससे आपको सेट्स का मतलब ही पता चल जाएगा कि सेट्स किसे कहते हैं। सेट इज अ कलेक्शन। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड distinct object or symbol. Example, a color, a set of color marker, a set of pencils. Set कहते हैं, set is a collection, set जमा को set collection को कहते हैं, of well defined distinct object, well defined distinct objects की और symbol या symbol की। Set is a collection of well-defined distinct object or symbol. Set एक collection को कहते हैं well-defined distinct object या symbols की। Set एक जमा चीजों को कहते हैं। Set एक जमा चीजों को कहते हैं, जमा की हुई चीजों को कहते हैं, well-defined distinct object की और symbols की। इसमें मैंने आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, अ सेट ऑफ कलर मार्कर, एक कलर मार्कर का सेट, अ सेट ऑफ पेंसिल्स और पेंसिल का सेट। अब जो सेट होते हैं, सेट हमेशा अनकाउंटेबल चीज में नहीं बनते, काउंटेबल चीज में बनते हैं। अनकाउंटेबल चीज में आ जाता है दूध। अनकाउंटेबल चीज कहते हैं जो चीजें ना गिनी जाए, और काउंटेबल कहते हैं जो चीज हम गिन सकते हैं, उन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं। अनकाउंटेबल में आ जाता है दूध। दूध हम नहीं गिन सकते, शुगर यानी चीनी भी हम नहीं गिन सकते, ना ही नमक हम गिन सकते हैं। तो ये चीज़ होती है बाल, हेयर, हेयर भी अनकाउंटेबल में आ जाता है। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में आ जाता है milk, juice, salt, hair and etc. वगैरह वगैरह। ये चीजें अनकाउंटेबल चीज में आ जाती हैं, और जो हम गिन सकते हैं, जो चीजें हम गिन सकते हैं, जैसे कलर मार्कर, पेंसिल्स, ये चीजें हम गिन सकते हैं, तो ये सेट में आती हैं। तो सेट का मतलब ही पता चल गया है कि सेट किसे कहते हैं। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स के बारे में पढ़ेंगे और इन्हों की नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके इम्पोर्टेंट सेट्स एंड देयर नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट सेट और इसके जो नोटेशंस होती हैं वो होती हैं सेवन। फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते हैं वन से लेकर टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, आगे अप टू सेवन, जितनी भी गिनतियां हैं उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर, होल नंबर जीरो से लेकर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, आगे अप टू सेवन, जितनी भी गिनतियां चलती जा रही हैं उन्हें कहते हैं होल नंबर।
इंटीजर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव साई को कहते हैं। पॉजिटिव कहते हैं प्लस को, यानी प्लस को, प्लस का जो निशान होता है वो ये होता है, और नेगेटिव साई कहते हैं माइनस को, नेगेटिव का निशान ये होता है। तो इंटीजर्स को ऐसे इस सूरत में लिखते हैं, यानी वन पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि वन जो है, वन प्लस भी है माइनस भी है, टू पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, थ्री पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, फोर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, आगे अप टू सोन, फाइव पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, सिक्स पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, आगे अप टू सोन, जितने भी गिनतियाँ चलती जा रही हैं इन्हें कहते हैं इंटीजर्स, लेकिन वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव की सूरत में हों। और पॉजिटिव इंटीजर्स इस शक्ल में भी लिखे जा सकते हैं और इस शक्ल में भी लिखे जा सकते हैं, यानी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, वन माइनस, टू माइनस, आगे अप टू सोन चलता जा रहा है, ये हो गई नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड। जीरो से स्टार्ट हो रहा है, वन टू थ्री एंड अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, इसे कहते हैं पॉजिटिव साइड, ठीक है। इसमें कहते हैं इंटीजर्स प्राइम, प्राइम नंबर कहते हैं उन नंबर्स को, प्राइम नंबर कहते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल पे मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि टू, टू अपने टेबल पे ही मल्टीप्लाई होता है, थ्री, थ्री भी अपने टेबल पर ही मल्टीप्लाई होता है। अब जब जैसे कि हम फोर को देखें, फोर को देखें, फोर जो है वो टू, टू ज़ा फोर, फोर के टेबल पे भी हो रहा है और अपने टेबल पे भी हो रहा है, फोर वन ज़ा फोर, ये दो टेबलों पे भी हो रहा है, यानी ये सिर्फ अपने टेबल फोर पे ही मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि टू के टेबल पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो फोर है वो फोर प्राइम नंबर नहीं है। फाइव, फाइव भी सिर्फ अपने टेबल पे ही मल्टीप्लाई होता है। सेवन भी अपने टेबल पे ही मल्टीप्लाई होता है। सिक्स, सिक्स टू के टेबल पे भी मल्टीप्लाई होता है और अपने टेबल पे भी मल्टीप्लाई होता है, और थ्री के टेबल पे भी मल्टीप्लाई होता है। थ्री थ्री ज़ा सिक्स, नहीं, थ्री टू ज़ा सिक्स एंड टू थ्री ज़ा सिक्स। तो जो थ्री है, आई मीन सिक्स है, सिक्स भी प्राइम नंबर नहीं है। सेवन, सेवन भी सिर्फ अपने टेबल पे ही मल्टीप्लाई होता है और किसी के भी टेबल पे मल्टीप्लाई नहीं होता, तो सेवन भी प्राइम नंबर है। एंड आगे अब टू सो ऑन चलता जा रहा है। ऑड नंबर, ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं जो कि टू के टेबल पे मल्टीप्लाई नहीं होता और बाकी जितने भी टेबलों पे मल्टीप्लाई होता है उन सब को कहते हैं ऑड नंबर, जो कि टू के टेबल पे मल्टीप्लाई ना हो, सिर्फ बस सिर्फ और बाकी टेबलों पे मल्टीप्लाई हो जाए, नहीं कहते हैं ऑड नंबर। वन भी टू के टेबल पे मल्टीप्लाई नहीं होता, थ्री भी टू के टेबल पे भी मल्टीप्लाई नहीं होता, फाइव भी टू के टेबल पे मल्टीप्लाई नहीं होता, सेवन भी टू के टेबल पे मल्टीप्लाई नहीं होता, नाइन भी टू के टेबल पे मल्टीप्लाई नहीं होता, एंड आगे अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। इलेवन, थर्टीन, ये सारे हैं ऑड नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर कहते हैं उन नंबर्स को जो कि सिर्फ टू के टेबल पे मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि टू, टू टू के टेबल पे ही मल्टीप्लाई होता है, फोर, फोर भी टू के टेबल पे मल्टीप्लाई होता है, सिक्स भी टू के टेबल पे मल्टीप्लाई होता है, एट, टेन एंड आगे अप टू सो ऑन, ट्वेल्व, फोर्टीन, सिक्सटीन, एटीन, ट्वेंटी, ये सारे ना टू के टेबल पे मल्टीप्लाई होते हैं। आगे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, पी एंड क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। इससे मुराद के जो क्यू हो, क्यू डिजिट हो, यानी क्यू नीचे होता है ना, क्यू जो हो, क्यू स्मॉल नंबर हो, और जो पी हो, पी बिग नंबर हो, बड़ा नंबर हो। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो Q यानी 7 है, 7 स्मॉल नंबर है और 18 बिग नंबर है, हाँ ये है रैशनल नंबर। और अगर हम यहाँ पे 18 लिख दें, यानी Q की जगह पे हम बिग लिख दें,
और पी की जगह पे हम स्मॉल लिख दें, यहाँ पे छोटा लिख दें, यहाँ पे बड़ा, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। और अगर हम यहाँ पे 18 लिख दें यानी बिग लिख दें और यहाँ पे स्मॉल 0 लिख दें तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा, बिकॉज अगर हमारे क्यू की जगह छोटा नंबर 0 आ जाए तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। 0 के सिवाय यहाँ पे और छोटा नंबर जो भी आना आ सकता है, सिर्फ 0 नहीं आ सकता और ये रैशनल नंबर बन सकता है 18 एंड नहीं, पहले आप यहाँ तक ही पढ़ें। तो ये होते हैं रैशनल नंबर। आगे हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे।